नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक्टर अभय देओल के सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बस आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साल 2005 में अभय देओल की पहली मूवी आई सोचना था और भाई सब कलेक्शन के हिसाब से इनकी पहली वाली मूवी फ्लॉप रही। साल 2006 में इनकी दूसरी मूवी आई आहिस्ता आहिस्ता और ये भी फ्लॉप रही। 2007 में इनकी तीसरी मूवी आई हनीमून ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड और भाई सब कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई 1:40 की लास्ट लोकर और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मनोरमा 6 फीट अंडर और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। 2008 में अभय देओल की मूवी आई ओए लक्की लक्की ओए और कलेक्शन के हिसाब से ओए ओए यानी कि ये फिल्म डिजास्टर रही। साल 2009 में इनकी मूवी आई देवटी और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली फिल्म डिजास्टर रही। साल 2010 में इनकी मूवी आई रोड मूवी और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद अभय देओल की मूवी आई आयशा और कलेक्शन के हिसाब से ये भी फ्लॉप रही। साल 2011 में इनकी मूवी आई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी हिट रही। वैसे दोस्तों ये वाली फिल्म काफी ज्यादा अच्छी थी। साल 2012 में इनकी मूवी आई संघाई और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई चक्रव्यूह और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी फ्लॉप रही। साल 2013 में इनकी मूवी आई रांझणा और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई द लवर्स और कलेक्शन के हिसाब से ये भी डिजास्टर रही। साल 2014 में इनकी मूवी आई 1/2 और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी डिजास्टर रही। साल 2016 में इनकी मूवी आई हैप्पी भाग जाएगी और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी सेमी हिट रही। साल 2018 में इनकी मूवी आई नानू की जानू और कलेक्शन के हिसाब से ये भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीरो और कलेक्शन के हिसाब से ये भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हीरो और भाई सब कलेक्शन के हिसाब से ये वाली मूवी एवरेज रही। दोस्तों ये फिल्म इनकी एक तमिल लैंग्वेज की फिल्म थी। इसके बाद इनकी मूवी आई लाइफ और डिसेंट और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये वाली फिल्म एवरेज रही। वैसे दोस्तों इस फिल्म को ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। साल 2021 में इनकी मूवी आई वेले और कलेक्शन के हिसाब से ये वाली फिल्म डिजास्टर रही। साल 2022 में इनकी मूवी आई जंगल क्राई और कलेक्शन के हिसाब से ये भी डिजास्टर रही। तो दोस्तों यह था अभय देओल का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्म देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किसके ऊपर चाहिए ये भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।